कितने बड़े बड़े चीकू हैं, सारे ये भी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो भी इसको सेल कर दिया जाएगा मार्केट वगैरह। जैसे हमारे पास सांकरान पे मौजूद हैं हम, गाइस आज मौजूद हैं सांकरान पे। देखो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं अपने कज़न के साथ, जो आज हमारे सांकरान पर, तो आपको कंप्लीट व्लॉग कराएंगे और कंप्लीट व्यू कराएंगे सांकरान के दरख वगैरह। गाइस पूरी जगह हरियाली है, ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हरियाली ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं चीकू की डिमांड कितनी है। यहाँ पर देखें पूरे कितने सारे चीकू भरे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं करीब से, देखें कितने बड़े बड़े चीकू हैं, सारे ये भी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो फिर इसको सेल कर दिया जाएगा मार्केट वगैरह। जैसे हमारे पास फिर ये खाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितने सारे बड़े बड़े चीकू वगैरह हैं, आप देखें। और ये हमारे ताहा भाई भी आ चुके हैं, ताहा भाई आपको दिखाएंगे चीकू के बारे में। ताहा भाई बताइए चीकू के बारे में। ये जो सारे चीकू दिख रहे हैं इस वक्त ये कच्चे हैं, अभी ये सीजन लगा हुआ है तो ये अभी इस वक्त कच्चे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद पक गया फिर हमारे सेलिंग हो जाएगी। कोयल का भी आवाज आ रहा है भाई। यार चीकू तोड़ रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये चीकू तोड़ लें। कहाँ पर है ये रहा ये चीकू, ये कच्चा है ये चीकू, इसके बाद फिर ये पक्का हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे इसको। और भी सारे यहाँ पर चीकू वगैरह लगे आप देख सकते हैं। जैसे नाजरीन ये बड़ा है, ये पका हुआ है ये। और ये बशीर भाई दिन का खाना खा लिया, हमने नहा भी लिया, अब इसके बाद बताओ क्या करना है आगे? आइए हमें आप उनको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह भी पिछले दफा हमने खाए थे, तो बर्ड्स वापस आए। उस दफा बहुत सारी चीज़ें दिखाने को है लेकिन आगे की तरफ जा नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता ख़राब है। अमित शहन भाई आप पूरे ब्लॉग में नहीं आए यार, बस यहीं पर है। क्या कर रहे थे? बस आज नहाने का दिल नहीं था यार, तो बस ही बैठे। तो कौन सा हमने नहाने की वीडियो दिखाई है? ये व्यू चेक करो, ये भाई ये व्यू चेक करो। हाँ ये बलूचिस्तान इन सांकरान पर मौजूद हैं हम, और हम जा रहे हैं कुछ ढाबा ढूंढने जहाँ पर हम कुछ खा सकें। भाई बहुत तेज भूख है, खाना खाया हमने 2 बजे और अभी बज रहा शाम का 5 या
चार। तो भूख तो लगेगा जब हम कुछ खाने जा रहे हैं। एक शॉप पे हम गए थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पापड़, टॉफियाँ और कुछ चीज़ें थी, और बोतलें भी नहीं थी भाई, ना आइसक्रीम था ना बोतलें थी ना कुछ खाने का अच्छा था। वो कह रहे हैं आपको हब चौकी की तरफ जाना होगा।